is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. गाजियाबाद में राष्ट्रीय जागरण मंच समिति ने केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का उत्पीड़न होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही गंभीरता से इस पर विचार करने के लिए भी कहा। इस मौके पर गाजियाबाद के मेयर महंत नारायण गिरीश, साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। केरल और बंगाल दो ऐसे प्रांत हो गए हैं जहां पर चुन चुनकर हिंदुओं पर, हिंदूवादी संगठनों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। उसी का विरोध में आज हमारा ये प्रदर्शन है। इसमें सभी हिंदूवादी संगठन जुड़े हुए हैं। हिंदूवादी सोच रखने वाले सभी लोग के मन में आक्रोश है, उनके मन में इस बात की पीड़ा है कि किस तरह हमारे देश के दो प्रांत जहाँ खुला नरसंहार हिंदुओं का, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का, संयुक्त कार्यकर्ताओं का हो रहा है, उसका प्रगटीकरण करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। विशेष रूप से ये केरला और अपना जो बंगाल है इसमें हिंदुओं का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, तो जन भावना जो भी हमारा हिंदू समाज पूरा रूप से इसके लिए विरोध, और एक तरफ जो है हमारा जो भी कार्यकर्ता वो वहाँ पर उनका हत्या हो रहा है, तो ये केंद्र में प्रदेश में कोई भी सरकार हो फिर भी जो उनका जो है हमेशा से हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है, तो विशेष रूप से ये संकेत उनका संदेश दिया है कि हम इसका एकदम अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। केरल और बंगाल में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में ये धरना है, यहाँ हिंदू समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए। देखिएगा फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार भी कानून से चलती है, प्रदेश सरकार को कानून से चलना चाहिए। केरल की और बंगाल की सरकार कानून के साथ ना चल करके पक्षपात हिंदू के साथ कर रही है। भारत सरकार की सीमा मर्यादा में हम लोग सामाजिक रूप से इस विषय को लेकर के नहीं चुके। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.